आज हम आए हैं अपनी जिम, बहुत बेकार लग रही है, बहुत ज़्यादा। पहले हम आते थे यहाँ पे, कुछ क्या बोलूँ मैं, राजवीर जी मुझसे बोलते थे भेड़ सारी लाइट ऑन कर दे, फैन ऑन कर दो, पूरा एग्जॉस्ट लगा दो। बहुत है, इधर करेंगे अपन तो, इधर आ जाओ। अब मैं यहाँ पे, पता है जब जिम करती थी ना तो राजवीर जी मुझे कराते थे, मतलब कोई नहीं। अभी हम यहाँ पे रोज आया करेंगे जिम करने के लिए, बस कुछ शब्द नहीं है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो आज मैं और भाभी जिम पे आए हैं, ध्यान दिया जाए अच्छे से। अब मेरी छुट्टियाँ भी हो गई हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे साथ में। लेट्स आए, अब हम रोज जिम आया करेंगे रेगुलर, जिससे कि हम थोड़ा फिजिकली अच्छे एक्टिव रहें। चलो, क्या हुआ क्या हुआ, मैं आपके लिए ऑन कर दूँ, रुको। हाँ मैं ऑन कर रही, चलो आ जाओ। देखो प्रॉब्लम हो रही है क्या, कोई पानी पी लो, थोड़ी देर रिलैक्स कर लो वरना गिर जाओगी, फिर क्या फायदा। हाँ यहाँ पे अंशु समझ रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब रोना सा आ रहा था, वो मैं कंट्रोल कर रही थी बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे नहीं रोना, और वही सब चल रहा था मेरे दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे मेरी अकेले की कोई मेमोरीज नहीं है, बस राजवीर जी के साथ, सूरज जी के साथ, ज़्यादातर राजवीर जी के साथ हैं क्योंकि वर्कआउट वगैरह वही कराते थे। तो मैं वही सोच रही थी और मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्या मैं कर पाऊँगी, आऊँगी मैं, नहीं आऊँगी, आऊँगी नहीं आऊँगी। और वही है कि वर्ड नहीं है, मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या फील कर रही थी, कैसा फील कर रही थी। शुरुआत कहते हैं ना कि शुरुआत करना आसान होता नहीं होता, कि चलो छोड़ो एक नई शुरुआत करते हैं, बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, मेरे लिए भी अभी भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या शब्द बोलूँ क्या करूँ, तो घर पे ही क्या करूँगी जब मुझे लगेगा जिम वगैरह मैं नहीं जा पाऊँगी। और हमने पता है पापा जी से बोला था कि जिम हमारी 5:30 बजे खुलती है, तो हम लोग गए थे 4:30 बजे गए थे, इस टाइम पे कोई नहीं था क्योंकि सबके सामने तो और भी नहीं कर पाती, पर फिर भी मुझे गंदा लग रहा था। अंशु भी लगी हुई थी कि मैं भाभी को हंसाऊँ, उनको अच्छा लगे, पर जो दिखाने के लिए हंसना रहता है और अंदर से, तो वो भी समझ जाती है। पर अंशु बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। हमें आरू मिल गई यहाँ पे, जिम जा रही थी पापा जी के साथ, तो उसको पापा जी यहीं छोड़ गए। आप घर जाओगी क्यों? सो गाइस, कल मैं जिम गई थी और सोचा भी था कि मैं रेगुलर जाऊंगी, पर होता है ना कि वहाँ पे मेरी सिर्फ और सिर्फ वही मेमोरीज हैं राजवीर जी के साथ, सूरज जी के साथ, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। अंशु बोल रहे थे भाभी रोज जिम चला करो, हम जिम करेंगे, हम ये करेंगे, तो मैं घर पे ही कर लूँगी योगा वर्कआउट जो भी है, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि पता है वो कंट्रोल नहीं होता वो चीज़ें, बस रोना ही रोना आता है। मैं बहुत रोई थी और इतना गंदा लगता है, जाऊँगी मैं जिम, मतलब मैं अच्छी हो जाऊँ, फिट हो जाऊँ, पर मेंटली मैं बहुत ज़्यादा पागल हो जाऊँगी, बीमार हो जाऊँगी,
कल से मेरी तबीयत खराब है, मैं रात में भी नहीं सो पाई, सिर फट रहा था मेरा, बार बार मैं गीला कर रही हूँ सर, ऐसे ही बांध के सोई थी, बहुत समझ सकते हो। तो मैं अभी नहीं, मैं कभी थोड़ा लगेगा मुझे तब मैं जाऊँगी, पर अभी तो मेरी नहीं है हालत कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं जब जिम कर रही थी ना तो वही लग रहा था राजवीर जी ये कराते, राजवीर जी यहाँ हैं, राजवीर जी हम साथ में दौड़ते थे, राजवीर जी मुझे यहाँ पे कराते थे भेड़ ये कर ले, वही वही चीज़ें ऐसी चल रही थी सर में कि नहीं बता पा रही मैं, पर मैं नहीं जा रही। अंशु चले जाया करेगी पर मैं नहीं जाऊँगी, आप लोगों ने भी बहुत बोला था कि जाया करो जिम दिखाना, ये नहीं होता पता है, ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, और मैंने कोशिश भी करी थी, मैं तब से गई नहीं हूँ, राजवीर जी थे तब मैं डिलीवरी से पहले भी गई हूँ, उसके बाद तो मैं नहीं गई, उनके साथ ही गई हूँ हमेशा। क्योंकि वहाँ जाऊँ मैं कि मैं यहाँ से ही हो जाऊँगी, मैं तबीयत और मेरी ख़राब हो जाएगी, बेकार लगेगा, घर में ही है सब लोग रहते हैं और काफ़ी चीज़ों में बिजी भी रहते हैं, पता। बाय बाय एवरीवन। देखो हमारे यहाँ पे कैसे पानी की कितनी कमी है, यहाँ से उन्होंने टैंकर लिया, छत पे ही वो चढ़ा लिया पाइप, सही जुगाड़ पानी है। आइए आइए विराजमान हो जाइए, धरती से जुड़े रहना चाहिए, यूं करे धरती से जुड़े रहना चाहिए। धरती में कल सुबह रहे मूड़ी पे बैठ गई, मैं एक घंटा परेशान है गई, आधा घंटा है, और धरती में बैठ के मैं कछु करवा लू, अच्छा लगता है। खाओ भाई मैं जाओ भाई चिप्स खाओ, पकन तो देख कच्ची खा रही है इनको, बेहतरीन ऑयल से ज्यादा तो मेरे को रूखी पसंद नहीं है, रूखी खा रहे हैं। गई वो तो गुस्सा क्यों कर रही है ये पसंद नहीं आ रहा गाना पसंद नहीं आ रहा। हाथी राजा हाथी राजा कहाँ चले, जल्दी आओ, उसको ऐसे गाने पसंद है हाथी राजा। अरे वो काम ज्यादा करती है लड़की, इधर आ छोटी, इधर आओ कम जीजा तू काला, अरे जीजा जी नाच करता जीजा जी। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, करो अलुआ पूरी खाओ ना, बिस्तर पे सो जाओ, कुर्सी बोली चटर पटर पकड़ो, जीजा तू काला मैं गोरी गनी जीजा जी